हेलो दोस्तों, और हैक्स एंड हेल्थ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हैक्स एंड हेल्थ में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप घर के फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर को कैसे साफ करें। ये हर घर की प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम जब भी बाहर जाते हैं हम अपने रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं। जब लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर इसे हम बंद करते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो सबसे बड़ा हेडेक हमें ये होता है कि हम अपने फ्रिज को कैसे साफ करें। इसकी हालत आप देख सकते हैं। मैं 15 दिन की छुट्टी पे गई थी और इसकी हालत आपके सामने है, और इसमें से स्मेल भी बहुत ही गंदी वाली आ रही है, बहुत ही बैड स्मेल आ रही है, और इसे साफ़ करना लोगों के लिए बहुत ही हेडेक की बात होती है, और ख़ासकर से इसमें से स्मेल चली जाए वो करना तो और भी डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए, इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये जो बहुत ही मुसीबत वाली काम है हम सबके लिए, जब भी लंबी छुट्टियों से वापस आएँ तो फ्रिज को कैसे साफ करें, तो इसका आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले फ्रिज के जितने भी एक्सेसरीज हैं उसे आप निकाल के साइड कर दीजिए। फिर एक मग में, यहाँ पे मैंने लिया है विनेगर और नींबू, पानी में हम डालेंगे, एक कप पानी में हम डालेंगे एक नींबू, और साथ में इसके हम डालेंगे एक कप विनेगर, और अब इस तैयार सॉल्यूशन हम साफ करेंगे अपने रेफ्रिजरेटर को। इसे साफ करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है स्कॉच ब्राइट। आप चाहें तो किसी मोटे कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इससे देखिए हम इसे साफ करेंगे तो कितनी आसानी से पूरा गंदा चला जाएगा, फंगस का स्मेल भी चला जाएगा, फंगस भी चला जाएगा, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, और इसमें जो नींबू है और विनेगर है उसके स्मेल से जो फाउल या जो गंदी स्मेल आती है वो भी एकदम आराम से चली जाएगी। कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, इसमें से स्मेल भी बहुत चली जा चुकी है, और ये पानी देखिए क्या हाल है इस पानी का। अब इस पानी को हम हटा देते हैं, और अब हम एक फ्रेश पानी से मोटे कपड़े की मदद से एक बार इसे पोंछ देते हैं। पूरी स्मेल अच्छे से जा चुकी है, अब कोई भी स्मेल नहीं है। अगर कोई स्मेल है तो वो सिर्फ विनेगर और नींबू की स्मेल है, जो कि बैड स्मेल नहीं होती। फ्रिज हमारा हो चुका है एकदम क्लीन, अब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके एक्सेसरीज या इसके ट्रे, बॉटल रैक सबको साफ़ करने की तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें साफ़ करने के लिए भी यहाँ पे हमने वही सॉल्यूशन बनाना है, एक नींबू, एक कप पानी में एक नींबू और एक कप विनेगर, और उसे उसी स्कॉच ब्राइट की मदद से या स्क्रबर की मदद से इसे हम साफ़ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसे भी हम एक मोटे टॉवल से फ्रेश पानी से एक बार वॉश कर लेते हैं, और इसे हम वापस इंस्टॉल करते जाते हैं। अब ये तो हमारा फ्रिज एकदम साफ हो गया, एकदम क्लीन, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे घर में ये आती है कि हमारे जो फ्रिज के साइड के रबर्स होते हैं वो आप कई बार देखेंगे कि वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने के कारण ये अच्छे से डोर के साथ चिपकते नहीं हैं, तो इसे ठीक करने के लिए और इसे सॉफ्ट बनाए रखने के लिए जब भी आप फ्रिज साफ करें, आपके घर में जो भी टैल्कम पाउडर है उसे इन रबर्स में लगा दीजिए। इससे आपके रबर्स सॉफ्ट रहेंगे और आपका फ्रिज बहुत दिन तक ख़राब नहीं होगा, डोज के साथ अच्छे से चिपकेगा। तो जो भी टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं आप उसे इन रबर्स में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको तरीका बताया घर में रेफ्रिजरेटर साफ करने का। उम्मीद है आपको हमारा ये तरीका पसंद आया होगा। आप इसे अगर ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।